दुनिया में कहीं भी जंग जदल होना नहीं चाहिए। अमन से रहो और अमन के साथ ही जिंदगी गुजारे। लास्ट में तो जब देखा जाता है बड़े बड़े जंग होते हैं और जंगों के बाद टेबल पे आके बात करनी पड़ती है। लेकिन महबूबा जी रिलीजियस कार्ड यहां खेल रही है। इलेक्शन के दिन है, इलेक्शन के दिनों में अब आज कह रही है कि मैंने कंपेनिंग आज बंद की है। ये एक रिलीजियस कार्ड है, इलेक्शन स्टंट है महबूबा जी का, कमेंडेबल है कि इसको हम भी कंडम करते हैं कि दुनिया में कहीं मरने नहीं चाहे लोग, चाहे वो कोई भी हो। जंग किसी बात का इलाज नहीं है। रशिया और यूक्रेन ने जंग किया, वहां भी हजारों लोग मरे गए, लेकिन अभी तक जंग ही चल रही है। लास्ट में आपको टेबल पे आके बातचीत करनी पड़ती है। दुनिया के जितने भी मसाइल है वो टेबल पे आके ही हल होने चाहिए। अब महबूबा जी का अपना एक अंदाज है, हमेशा वो तुष्टिकरण कहते हैं या इस्लामीकरण कहते हैं, इसको भी उन्होंने अपने हक में बनाने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने आज ये कंपेनिंग बंद करने की अनाउंसमेंट की। वैसे भी आज लास्ट दिन कंपेनिंग का था। अब यहां के जो वोटर्स है, मुस्लिम वोटर्स है, उनको रहने के लिए महबूबा जी ने एक कार्ड खेला है। महबूबा जी कार्ड खेलने में माहिर है। इंसानियत होती है सब लोगों की, इंसानियत के ऊपर बोलना चाहिए। आप जानते हैं कि इतना सानिया हुआ जिसको हम कंडम करते हैं, बदनसीबी है। जहां अमन की बात करते हैं पूरे दुनिया में, वहां ये सब चीजें हो रही है और ये जो है इंसानियत के लिए अच्छी बात नहीं है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, हम इन चीजों को कंडम करते हैं। मैं क्या बोलूं, अच्छी बात है, मैं क्या बोलूं, हम किसी के बारे में क्या बोल सकते हैं। उनका एक अपना स्टैंड है, हमारा अपना। हम इंसानियत की बात करने वाले हैं, ह्यूमनिटी की बात करने वाले हैं।